ऑन कर लेता हूँ. ओके, सो टुडेज टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज अबाउट MCO 5, अ क्वेश्चन ऑफ फ्रॉम MCO 5. दिस टॉक्स अबाउट द बायबैक ऑफ शेयर्स. ठीक है, तो बायबैक ऑफ शेयर क्या होता है, इसके पर्पस को बारे में पर्पस के बारे में हम समझेंगे, साथ ही साथ बायबैक कैसे किया जाता है, क्या मेथड्स हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ इफेक्ट्स ऑफ शेयर बायबैक. जब आप बायबैक करते हो तो उसका असर जो है आपके शेयर के ऊपर क्या पड़ता है, आपके बिजनेस के ऊपर क्या पड़ता है, वो हम डिस्कस करेंगे. बट इससे पहले मैं एक जनरल ओवरव्यू दे देता हूँ इस टॉपिक का. सो बायबैक ऑफ शेयर नाम से पता चल रहा है कि बायबैक ऑफ शेयर्स, आप अपने शेयर्स को वापस से खरीद रहे हो. आप अपने शेयर्स को वापस से जब खरीदोगे, मतलब वो आप ही के शेयर है, जब शेयर मार्केट में आप अपने शेयर को इनलिस्ट कराते हो, मतलब आप चाहते हो कि आपके शेयर को बाकी सारे लोग, जो बाकी सारी कंपनीज हैं, वो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करें, मतलब वो आपके शेयर को खरीदते हैं, तो जाकर के आपको जो है पैसा मिलता है और आप उससे, उस पैसे से अपने बिजनेस को बड़ा करते हो. ठीक है, लेकिन बाय बैक ऑफ शेयर में क्या हो रहा है कि आपकी कंपनी इतना ज्यादा पैसा जनरेट कर ले रही है कि वो अपने ही शेयर्स को वापस से खरीद ले रही है, क्योंकि शेयर्स की कीमत कभी भी कुछ भी हो सकती है. जो शेयर अभी 1,000 रुपए का है, हो सकता है वो 10 ईयर्स आफ्टर उसकी कीमत 10,000 रुपए हो या 15,000 रुपए हो. ठीक है, तो उस केस में जब ऐसा कुछ होने के चांसेस होते हैं, तो वहां पे जो प्रोमोटर्स होते हैं, जिनके पास शेयर्स लार्ज नंबर्स में होते हैं, वो और ज्यादा उस चीज को खरीद करके एक्यूमुलेट करते रहते हैं, और पब्लिक के पास थोड़ा बहुत ही होता है. तो बाय बैक इज लाइक यू नो बाइंग देयर ओन शेयर्स. ठीक है, यू आर बाइंग योर ओन शेयर्स, ताकि आपको पता है, क्योंकि बाद में जाकर के उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होने वाली. ठीक है, नाउ वी विल टॉक इन डिटेल. पहला इसमें पॉइंट देख लो, पर्पस क्या है, क्यों हम करते हैं बाय बैक ऑफ शेयर. कैपिटल एफिशिएंसी, आपके पास बिल्कुल कैपिटल अगर ज्यादा है तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए आप उस चीज में कर सकते हैं. कंपनी कंपनीज बाय बैक शेयर्स टू रिटर्न एक्सेस कैपिटल टू शेयर होल्डर्स. ठीक है, जो रिटर्न, जो एक्सेस कैपिटल है मार्केट में. ठीक है, आपने जब किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया है, तो डेफिनेटली आपने ये सोच करके किया है कि जब इसकी कीमत ज्यादा होगी तो मैं उसको सेल करके वहां से मुनाफा कमा लूंगा. ठीक है, सो इट्स लाइक यू नो आप कैपिटल जो है आप वापस से उनको दे दे रहे हो, आप एक तरीके से सेल कर दे रहे हो आप बोल सकते हो, या फिर आप अपना कैपिटल उनके साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हो. क्योंकि जब आप अपने शेयर्स को खरीदते हो तो मार्केट में एक पॉजिटिव मैसेज जाता है कि आपका शेयर इतना अच्छा है कि ये कंपनी अपने ही शेयर्स को खरीद रही है, तो उसका, उसके प्राइसेस में भी अप्रिसिएशन देखने को मिलता है, तो उसके, उसका फायदा जो है शेयर होल्डर्स को भी होता है. सो इट्स लाइक दैट, इस तरीके से वो चीजें हो रही हैं. दिस कैन बी मोर टैक्स एफिशियंट, ये बहुत ज्यादा टैक्स एफिशियंट है देन इशूइंग डिविडेंड्स. डिविडेंड्स इशू करने की जगह पे आप क्या कर रहे हो, आप एक तरीके जो शेयर्स है उसको बाय बैक कर ले रहे हो. एज शेयर होल्डर्स मे हैव टू पे टैक्सेस ऑन डिविडेंड्स, क्योंकि जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको टैक्सेस पे करना होता है डिविडेंड्स के ऊपर. मुझे अगर 5,000 रुपए से ज्यादा मैं डिविडेंड रिसीव करता हूँ एक साल में, तो मुझे उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा. 5,000 से कम हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर वो वैल्यू 5,000 से ज्यादा है तो मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा. ये नॉर्मल नियम है. बट कोई कंपनी जब यू नो शेयर्स खरीद ले रही है, तो उसको भी तो उस शेयर के बदले डिविडेंड मिलेगा ना, जैसे मुझे मिल रहा है. तो लेकिन जो उनको डिविडेंड मिलेगा, उसके ऊपर उनको कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा. ठीक है, सो उस केस में वो टैक्स एफिशिएंट हो जाता है. दूसरा पॉइंट है अंडर वैल्यूड स्टॉक्स. इफ अ कंपनीज मैनेजमेंट बिलीव दैट इट्स शेयर्स आर अंडर वैल्यूड इन द मार्केट, इट मे चूज टू रीपर्चेस शेयर्स एज एन इन्वेस्टमेंट इन इटसेल्फ. है ना, यही बात मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ. कभी कभी क्या होता है कि कंपनीज को लगता है, जैसे कि मार्केट में बिजनेस आपका बहुत अच्छा, आपकी कंपनी बहुत अच्छा बिजनेस कर रही है, लेकिन स्टिल आपके जो मार्केट का शेयर प्राइस है वो काफी आपको कम लग रहा है. आपको देखो, अंडर वैल्यू ओवर वैल्यू निकाला जाता है, इसके पीछे रूल्स है तो वो निकाला जाता है. ठीक है, तो जब आप वो कैलकुलेशन कर रहे हो, तो आपको पता चल रहा है कि आपका स्टॉक जो है वो अंडर वैल्यूड है, 200 रुपए 300 रुपए जो है कम पे ट्रेड कर रहा है, जबकि होना चाहिए था ज्यादा. है ना, तो उस केस में आप क्या करते हो, आप अपने शेयर्स को खरीद लेते हो, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि बाद में जब करेक्शन आएगा, जब शेयर्स की प्राइसेस बढ़ेंगी, तो फायदा आप ही को होने वाला है. ठीक है ना, सो इसलिए भी वो लोग करते हैं. सो इट मे चूज टू रीपर्चेस शेयर्स एज एन इन्वेस्टमेंट इन इटसेल्फ, खुद में ही इन्वेस्ट करना, एमिंग टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द रिमेनिंग शेयर्स. इसमें आप एम क्या करते हो कि आपके जो रिमेनिंग शेयर्स है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी. एक पॉजिटिव मैसेज आता है पब्लिक के पास, तो पब्लिक भी उस चीज को ज्यादा खरीदने लगती है. तीसरा है अर्निंग पर शेयर. तो अर्निंग पर शेयर बढ़ जाता है, शेयर्स बायबैक्स कैन इंक्रीज एन कंपनीज अर्निंग पर शेयर. अगर आप अपने शेयर्स को खुद से खरीदोगे, तो आपका जो अर्निंग पर शेयर रेशियो है, जो जो आपका प्रॉफिट है, वो ज्यादा हो जाएगा बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स. आउटस्टैंडिंग शेयर्स का मतलब ऐसे शेयर्स जो पब्लिक के पास है. पब्लिक के पास जब आपके शेयर्स होंगे, इसका मतलब है कि आपको उस शेयर्स के बदले उसको पैसे देने हैं. जब भी वो सेल करेगा तब आपको देना पड़ेगा, है ना, कंपनी को देना पड़ेगा. जनरली शेयर मार्केट में पब्लिक पब्लिक को देता है,
बट जब मान लो कंपनी बंद होने वाली है, कुछ ऐसा होता है, तो कंपनी की जिम्मेदारी है कि वो पैसे दे, है ना। तो जब इस तरह की चीजें होती हैं, तो लोगों के पास एक पॉजिटिव मैसेज जाता है और वो लोग उस चीज को और ज्यादा खरीदना चाहते हैं, ठीक है ना। सो शेयर बायबैक करने से आपका जो कंपनी का अर्निंग पर शेयर है वो ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है, और आपका आउटस्टैंडिंग शेयर जो है वो कम होगा। इसका मतलब है कि आपका बोझ कमेगा। आपको अगर कोई किसी ने आपके शेयर को लेकर के रखा है, तो आपको उसको डिविडेंड भी पे करना है, रोजाना मेल भी करना है। रोजाना मतलब जब भी एजीएम वगैरह होता है बड़ा बड़ा, जब भी कुछ आप डिसीजन लोगे तो आपको मेल करना पड़ेगा, सबसे वोटिंग करवाना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। सो मेकिंग ईच शेयर रिप्रेजेंट अ लार्ज पोर्शन ऑफ द कंपनीज अर्निंग, ठीक है। सो यहाँ पे वो चीजें हैं, अर्निंग पर शेयर में वो चीजें होंगी। दूसरा है मेथड्स ऑफ शेयर बायबैक। अब आप अपने शेयर्स को किस तरीके से खरीद सकते हो? आप ऐसे ही मार्केट में चले गए खरीदने के लिए, ये पॉसिबल नहीं है। सेबी की कुछ गाइडलाइंस हैं, कुछ रूल्स हैं, जिसके तहत आपको जो है बायबैक के प्रोसेस को पूरा करना होगा। वो क्या है प्रोसेस, क्या मेथड्स है, देख लेते हैं। सो ओपन मार्केट परचेस। नाउ कंपनीज कैन बाय बैक शेयर्स ऑन द ओपन मार्केट जस्ट लाइक एनी अदर इन्वेस्टर। किसी एक जैसे हम खरीदते हैं, वैसे ही कंपनी अपने शेयर्स को खरीद सकती है, ठीक है। इसको बोलेंगे ओपन मार्केट परचेस, क्योंकि यहाँ ओपन मार्केट में ही जो है आप एक तरीके से कर रहे हो। अ कंपनी दिस मेथड फॉलोज फ्लेक्सिबिलिटी इन टाइमिंग एंड क्वांटिटी, है ना। इस मेथड में ये इजी इसलिए है क्योंकि आपको जब भी प्राइस कम लगा आपने खरीद लिया, जब भी आपको ज्यादा लगा आपने बेच दिया। ये बहुत ही इजी है, ओपन मार्केट परचेस सबसे ज्यादा यूज होता है। दूसरा लेकिन है, देखो टेंडर ऑफर, यहाँ पे आपको ऑफर इशू करना होता है कि हम अपने शेयर्स को वापस से इस प्राइस पे हम परचेस करने वाले हैं, ठीक है। तो किसी को अगर सेल करना है तो आप अपना शेयर सेल कर सकते हो, ठीक है। सो इट्स अ काइंड ऑफ टेंडर ऑफर, आप ऑफर दे रहे हो, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, अ कंपनी ऑफर्स टू बाय बैक शेयर्स एट अ स्पेसिफाइड प्राइस। कंपनी बोलती है कि इस प्राइस पे मैं अपने शेयर्स को वापस से खरीदूंगा। अगर किसी शेयर होल्डर को सेल करना है, दे कैन डू इट, ठीक है। एंड शेयर होल्डर्स कैन चूज टू टेंडर, वो अपने शेयर्स को सेल कर सकते हैं, देयर शेयर्स टू एट और बिलो दैट प्राइस, उस प्राइस पे या उस प्राइस के नीचे। ज्यादा तो नहीं कर सकते क्योंकि कंपनी ने ऑलरेडी एक टेंडर ऑफर दे दिया है, एक प्राइस दे दिया है कि इसी प्राइस पे मैं खरीदूंगा। तो अगर किसी को बेचना है तो कंपनी उसको खरीद लेगी उसी प्राइस पे या उससे नीचे वाले प्राइस पे, ज्यादा पे नहीं, ठीक है। तीसरा है डच एक्शन। ये क्या है, शेयर होल्डर्स इंडिकेट द नंबर ऑफ शेयर्स दे आर विलिंग टू सेल। शेयर होल्डर्स ये इंडिकेट करते हैं कि इतना शेयर मैं बेचना चाहता हूँ एंड द प्राइस एट विच दे आर विलिंग टू सेल, और वो लोग किस प्राइस पे बेचना चाह रहे हैं। देखो ये टेंडर ऑफर की तरह ही है लेकिन वाइस वर्सा है। टेंडर ऑफर में कंपनी ऑफर कर रही थी, यहाँ पे डच ऑक्शन में शेयर होल्डर्स ऑफर कर रहे हैं कि मैं सेल करने को तैयार हूँ, ठीक है। किस प्राइस पे वो लोग सेल करेंगे वो भी बता रहे हैं। नाउ द कंपनी देन डिटरमाइंस द लोएस्ट प्राइस। कंपनी क्या करती है, लोएस्ट प्राइस को डिटरमाइन करती है जिस प्राइस पे वो अपने शेयर्स को वापस लेना चाहेगी। देखो कंपनी का शेयर है, कंपनी के ऊपर है, वो लेना चाहे ना लेना चाहे, तो वो भी अपने तरफ से एक काउंटर ऑफर या टेंडर ऑफर वो लोग भी अपने तरफ से दे देंगे कि चलो इस प्राइस पे मैं लेने को तैयार हूँ। लेकिन डच ऑक्शन में क्या हो रहा है कि आप ऑक्शन कर रहे हो, आप अपने शेयर्स को एक तरह से बोल दे रहे हो कि इस शेयर को मैं इस प्राइस पे बेचूंगा। कंपनी कह रही है कि नहीं उस प्राइस पे नहीं, मैं इस प्राइस पे खरीदूंगा। अगर एग्रीमेंट हो गया तो वो तो बिक जाएगा, और अगर नहीं हुआ तो रह गया, है ना। सो डच ऑक्शन। तो तीन तरह के ऑप्शन यहाँ पे है। पहला तरीका है, पहला मेथड है ओपन मार्केट परचेस, दूसरा है टेंडर ऑफर, और तीसरा है डच ऑक्शन, ठीक है। अब इसके फायदे देखो, इसका इफेक्ट देखो किस तरीके से मार्केट को ऊपर के पड़ता है। सबसे पहला है ओनरशिप कॉन्सेंट्रेशन। तो सही बात है, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब हो गया किसी एक चीज पे फोकस करना। अगर मेरी कंपनी के 1 लाख शेयर्स पब्लिक के पास हैं, तो 1 लाख शेयर्स पे 1 लाख लोगों का, या जितने भी लोग हैं, जितने भी लोगों ने 1 लाख शेयर्स को ले रखा है, सबका हमारी कंपनी के ऊपर क्लेम है, ओनरशिप है, राइट। लेकिन जैसे आप अगर अपने ही शेयर्स को खरीद लोगे तो आपकी जो ओनरशिप है ना, वो आपका बढ़ता जाएगा। तो जो पावर होगा वो कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा, या फिर जो ओनरशिप है वो कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा। सो ओनरशिप कॉन्सेंट्रेशन के लिए उस चीज को किया जाता है। शेयर्स बायबैक एंड इंक्रीज द ओनरशिप परसेंटेज ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, है ना। देखो लिखा हुआ है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स पोटेंशियली बेनिफिटिंग लार्ज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और कंपनीज एग्जीक्यूटिव। इसमें फायदा किसको होता है, जो लार्ज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, जैसे SBI है, बड़े बड़े बैंक हैं जो कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं। एक इंस्टीट्यूशन है जो कि इन्वेस्ट कर रहा है, उसको हम लोग कहेंगे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। और वो लोग 1 करोड़ 2 करोड़ नहीं, वो लोग 500 करोड़ 600 करोड़ 1,000 करोड़ तक भी शेयर्स वो लोग उठा लेते हैं मार्केट से, ठीक है। तो वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, काफी बड़े बड़े हैं। साथ ही साथ जो कंपनी के एग्जीक्यूटिव होंगे, जो कंपनी के मैनेजर्स होंगे, जो हायर पोस्ट पे होंगे, उनके पास भी कंपनी का शेयर बहुत ज्यादा रहता है। कई बार तो वो लोग शेयर नहीं, शेयर ही लेते हैं, सैलरी नहीं लेते। आपने इलॉन मस्क का नाम सुना होगा,
इलॉन मस्क सैलरी लेता है, सॉरी सैलरी नहीं लेता है, जो भी उसकी सैलरी बनती है 200 करोड़ 300 करोड़ जो भी है, उसके बदले वो क्या करता है, अपने ही शेयर्स को बाई बैक कर लेता है। ठीक है, सो वो एक यस तरीका हो गया। तो ओनरशिप कॉन्सेंट्रेशन हम लोग को देखने को मिलता है जब हम शेयर बाई बैक करते हैं। दूसरा है अर्निंग पर शेयर का बढ़ जाना, यह मैंने स्टार्टिंग में बताया था। अर्निंग पर शेयर अगर आपका बढ़ेगा तो आपको प्रॉफिट ज्यादा होगा, तो वो एक फायदा है। शेयर्स बाय बैक रिड्यूस द नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स व्हिच कैन बूस्ट द कंपनीज ईपीएस, है ना, जिसके कारण से ईपीएस बढ़ेगा, मेकिंग इट अपियर मोर प्रॉफिटेबल ऑन अ पर शेयर बेसिस। ठीक है, तो ये जो है ज्यादा प्रॉफिटेबल लोगों को दिखने लगेगा जब आप बाय बैक शेयर करोगे, क्योंकि तो एक पॉजिटिव मैसेज जो है मार्केट में जा रहा है। एक मिनट, यस जैसे मैं पानी पी लेता हूँ। ओके, तीसरा पॉइंट है स्टॉक प्राइस। ठीक है, आपके स्टॉक की जो प्राइस है ये भी फ्लक्चुएट होगी, जब आप अपने शेयर्स को खरीदेंगे तो इसमें जो है फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा, और ये पॉजिटिव होगा, अपवर्ड होगा, डाउनवर्ड नहीं होगा। ठीक है, सो आ शेयर बायबैक कैन लीड टू एन इंक्रीज ऑफ द कंपनी स्टॉक प्राइस। जब आप शेयर बायबैक करते हो तो आपकी कंपनी के स्टॉक की प्राइस में बढ़ोतरी देखने को मिलती है, एज द रिडक्शन इन द सप्लाई ऑफ शेयर्स मे क्रिएट अपवर्ड प्रेशर। क्योंकि आप जब अपने शेयर्स को खरीद रहे हो तो मार्केट में सप्लाई अपने शेयर्स का कम जा रहा है, जब सप्लाई कमेगा और डिमांड ज्यादा होगा, सप्लाई कमने का मतलब है कि डिमांड दूसरी तरफ ज्यादा है, तो उस केस में आपके शेयर की प्राइसेस जो है वो बढ़ेंगे ही, या है ना। शेयर्स में क्रिएट यस अपवर्ड प्रेशर ऑन द स्टॉक प्राइस। फोर्थ नंबर है फाइनेंशियल लिवरेज। ठीक है, सो इफ अ कंपनी बोरोज मनी टू फंड अ बायबैक, इट मे इंक्रीज इट्स फाइनेंशियल लिवरेज व्हिच कैन अफेक्ट इट्स फाइनेंशियल रिस्क। ठीक है, सो एक कंपनी अगर अपने ही शेयर्स को खरीदती है ना, तो वो क्या कर रही है, उसके पास जो पैसे बचे हुए हैं उसी पैसे से वो खरीद रही है, तो उसको हो सकता है कि बाद में अगर कभी जरूरत पड़े तो उसको वापस से अपने शेयर्स को सेल करने पड़ेंगे मार्केट में, है ना। सो वो एक इश्यू हो सकता है। तो ये इफेक्ट एक ये है कि आप अपने फाइनेंशियल लेवरेज का फायदा उठा रहे हो, और फाइनेंशियल लेवरेज का फायदा उठाना लाइक हमेशा ठीक नहीं होता है, हालांकि इसका पॉजिटिव है चीजें बहुत सारी, लेकिन आपको दिक्कत हो जाती है, क्योंकि आपको अगर वापस से अपने शेयर्स को खरीदने हैं तो आपको अपने प्रॉफिट में से खरीदना पड़ेगा। हाँ किशन, आप कुछ कह रहे हैं? हेलो, ओके, सो इफ अ कंपनी बोरोज मनी टू फंड अ बाय बैक, ठीक है, अगर वो पैसे बोरो करती है, उधार लेती है अपने शेयर्स को खरीदने के लिए, समझ रहे हो आप, तो इस केस में क्या होगा, या तो उसको उधार लेना पड़ेगा, या तो उसको प्रॉफिट, अपने प्रॉफिट का जो रिजर्व में पैसा है उसको यूज करना पड़ेगा। तो उस केस में जो आपके पास फाइनेंशियल जो लिक्विडिटी है, जो लिक्विडिटी आपके पास है, कैश है, वो आपके पास नहीं रहेगा, तो उस कारण से आपकी कंपनी को फाइनेंशियल रिस्क हो सकता है। कहीं अगर आपको पैसे की जरूरत पड़ी और आपके पास नहीं है, तो फिर आप क्या करोगे, और तुरंत आप अगर मार्केट में जाओगे अपने शेयर्स को सेल करने, तो ऐसे ही तो सेल होगा नहीं, है ना। बाई बैक कर लेना मतलब वो आपके अकाउंट में घुस गया, वो वापस से मतलब आपको करने के लिए वापस से आपको बोनस इशू करना पड़ेगा, या दूसरे तरीके से आपको इशू करना होगा, इतनी आसानी से हो नहीं पाता है। तो आपको अपने फाइनेंशियल लेवरेज के बारे में भी सोचना है जब भी आप इस तरह से कोई चीजें करते हैं। ठीक है, तो ये चौथा इफेक्ट जो है आपको देखने को मिलता है। नाउ इसको कंक्लूड कर लेते हैं, शेयर बाईबैक्स कैन बी स्ट्रेटेजिक, ऑब्वियसली स्ट्रेटेजिक है, अगर स्ट्रेटेजिक नहीं होगा तो आप अपना ही नुकसान कर बैठोगे। ठीक है, सो शेयर बाईबैक्स कैन बी स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मूव फॉर अ कंपनी, बट दे ऑल्सो हैव देयर क्रिटिक्स। देखो उसके फायदे भी हैं, लेकिन साथ ही साथ ऐसे लोग भी हैं, क्रिटिक्स भी हैं उसको क्रिटिसाइज करने वाले। सम आर्ग्यू, कुछ लोग कहते हैं दैट कंपनी शुड इंस्टेड री इन्वेस्ट देयर कैपिटल इन ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज और रिटर्न इट टू शेयर होल्डर्स थ्रू डिविडेंड्स। कुछ लोग कहते हैं कि भाई आप जो अपने कंपनी के शेयर्स को वापस खरीदेंगे, इससे अच्छा है कि आप अपनी कंपनी के पैसे को आप वापस से री इन्वेस्ट कर दीजिए, वापस से कहीं लगा दीजिए, या अपनी कंपनी में ही लगा दीजिए, ताकि ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज और ज्यादा बने, और या फिर तो आप अपने शेयर होल्डर्स को वो सारे के सारे पैसे रिटर्न कर दीजिए। जो पैसे आपके पास रिजर्व में है आप वही करोगे ना, उसी उसी का आप यूज करोगे, तो आप उसको यूज करने के बजाय आप अपने शेयर होल्डर्स को एज अ डिविडेंड वो पैसे बांट दो। शेयर बायबैक्स नीड टू बी केयरफुली इवेल्युएटेड, शेयर बायबैक्स को ठीक तरीके से इवेल्युएट करना बहुत जरूरी होता है, विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंपनीज फाइनेंशियल गोल्स। कंपनी की जो फाइनेंशियल गोल्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपके पास जितने पैसे हैं, जितने पैसे होने चाहिए, जितने पैसे आपको आप वापस से लगा सकते हो उतना ही लगाना है, ज्यादा कम करोगे तो फिर दिक्कत हो जाए, ज्यादा करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, कम करोगे तो चलो कोई बात नहीं। तो कंपनी का जो फाइनेंशियल गोल है उसके कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए आपको अपने शेयर बायबैक को करना है। ठीक है, एंड शेयर होल्डर और कंपनी जो शेयर होल्डर्स है उनके इंटरेस्ट का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सो दैट्स इट। शाम के लिए मैं एक ही क्लास कराऊंगा, अभी ज्यादा लंबा नहीं करा पाऊंगा। सो यही है, ये पीडीएफ मैं भी थोड़ी देर में शेयर कर दूंगा,
एंड इसको आप थोड़ा कर यस लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसलिए मैंने इसको अलग से यहाँ पे इंक्लूड किया है। ठीक है, ये MCO 5 का टॉपिक है, बाय बैक ऑफ शेयर। आप इसको मैं लिख दूंगा हाँ जब मैं शेयर करूंगा तो, और इसको अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। ठीक है, सो ओके देन, ठीक अगला ओके क्लास सर होपफुली कल सुबह कर सकते हैं। ठीक है, आई विल टेल एज सून एज यस पॉसिबल। यस सर आई एम रेडी सर ओके ओके देन गाइस, ठीक है देन, बाय, गुड नाइट, बाय बाय सर गुड नाइट बाय सर, गुड नाइट।